वेलकम टू माय शो खाबे मेरे देश के। मैं हूं आपकी होस्ट परवशा अब्रार। जी हां व्यूअर्स, आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा मेरी ड्रेसिंग देखकर और यहां का स्टॉल देखकर, क्योंकि आज 14 अगस्त स्पेशल तो नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, हमारा महीना तो आज़ादी का है ना, तो मैं तो चीज़ें देख सकती हूँ। इवन आप लोग भी आकर जो है चॉइस कर सकते हैं, मैं भी देख रही हूँ यहाँ पर। लेकिन साथ साथ मैं आपको बताती चलूं कि मैं मौजूद हूं आज एक फूड स्ट्रीट पर, जैसे आप लोग जब निकलते हैं शॉपिंग करने या ऐसे ही दोस्तों के साथ, तो ठेलों पर चीज़ें जो होती हैं चटकारेदार खाने होते हैं वो खा रहे होते हैं, तो आज मैं भी वैसे ही खाना खाऊँ, फिर आप लोगों को भी खिलाऊँगी। तो चलिए मेरे साथ आए। फालूदा, बन कबाब, साथ साथ गोला गंडा बड़े मशहूर है यहाँ के, आई थिंक सो। और बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पर, इंजॉय करते हैं, यहाँ की फूड स्ट्रीट बहुत ज़्यादा मशहूर है। और आप लोग देख रहे हैं कि मैं भी बन कबाब काट रही हूँ, यहाँ पर बन कबाब फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मशहूर होते हैं। जब तक मैं फ्राई कर रही हूँ, आप लोग जल्दी जाइए और देखिए क्विक रेसिपी। मटर पुलाव, चावल 1 गिलास, पानी 1.25 गिलास, मटर 100 ग्राम, तेजपत्ता 2 अदद, छोटी इलायची 2 अदद, बड़ी इलायची 1 अदद, दालचीनी, जावित्री, घी 3 चम्मच, काजू 12 अदद, नमक हसबे जायका। तरकीब, सबसे पहले चावल को धो लें, फिर इसमें पानी मिलाकर 10 से 15 मिनट के लिए रख दें, फिर प्रेशर कुकर को गर्म करके घी डाल दें, उसके बाद सब सूखे मसाले और काजू इसमें शामिल करके फ्राई कर लें, फिर इसमें मटर शामिल करके मजीद फ्राई कर लें, उसके बाद चावल का पानी निकाल कर प्रेशर कुकर में डालकर हल्की आँच में 2 से 3 मिनट तक पकाने दें। अब उसमें 1.25 गिलास पानी शामिल करके नमक मिला लें और तेज़ आँच कर दें। जब पानी में उबाल आ जाए तो प्रेशर कुकर को बंद कर दें, जब इसमें सीटी की आवाज़ आ जाए तो गैस बंद करके चावल निकाल लें। मटर पुलाव तैयार है। जी नाज़रीन, देख लिया आप लोगों ने क्विक रेसिपी। वैसे धोरा जी जो है वो गोला गंडा की वजह से बहुत ज्यादा मशहूर है, यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं दूर दूर से कि गोला गंडा यहाँ का खाएं और एंजॉय करें, पूरी पूरी फैमिलीज आती हैं यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर खड़ी हूँ और यहाँ पर देख रही हूँ कि कैसे बनते हैं वो गोला गंडा जो इतना मशहूर है। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ और खुद भी सीख रही हूँ, और इतने प्यारे प्यारे से बच्चे मेरे साथ खड़े हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? माहम। माहम, गोला गंडा खाया? कैसा लगता है यहाँ का गोला गंडा? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। मम्मा पापा को बोलती हूँ कि मुझे आज आप आइसक्रीम नहीं गोला गंडा खिलाएं। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? शबीना। रुबीना? शबीना। बीना, बीना, भाई बीना। बीना, आपने गोला गंडा खाया? नहीं खाया। अच्छा, 14 अगस्त आने वाला है तो कुछ खरीदा उसके लिए है भाई? लेना है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? रमशा। रमशा, आपने गोला गंडा खाया है यहाँ का? नहीं। मैं खिलाऊं आपको अभी? चले, आप यहाँ खड़ी रहे, मैं आपको यहाँ गोला गंडा खिलाती हूँ, ठीक है? चले जी। जी नाजरीन, अभी हम यहाँ पर गोला गंडा बना रहे हैं और पूछते हैं यहाँ पर जो बनाते हैं उनसे भी हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? नहीं नाम है। नहीं, इतना मशहूर है यहाँ के गोले गंडे और लोग आते हैं खाते हैं, ऐसा क्या होता है इधर गोला गंडा, मतलब क्या ऐसा मिला हुआ होता है कि इतना मशहूर है? यहाँ का गोला गंडा बहुत मशहूर है, यहाँ लोग खाते हैं गोला गंडा और हम बनाते हैं, अभी हम आपको बनाकर दिखाएंगे। आप ये बना के, ठीक है जी, हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, हमने बर्फ जो है उसे बिल्कुल मशीन से पीस ली है जी, अभी हम इसमें डालेंगे पाइनएप्पल। आप लोग देखते रहे, ठीक है जी। पाइनएप्पल डालेगा फ्लेवर, पाइनएप्पल का फ्लेवर, फिर उसके बाद आइसक्रीम सोडा डालेगा, उसके बाद आइसक्रीम सोडा, फिर उसके बाद रूह अफ़ज़ा डालेगा इसमें। क्या? रूह अफ़ज़ा। रूह अफ़ज़ा। अभी हम इसको बर्फ लगाएंगे, ऊपर कनेल डालेंगे। डालेंगे भाई, डालेंगे। ये बर्फ डल गई, अभी हम इसके ऊपर कनेल लगाएंगे। अब इसके ऊपर कनेल हम डाल रहे हैं, ठीक है? ये कनेल डल गई, अब हम टुकड़े करेंगे।
इसके बाद फिर से रोबजा, फिर रोबजा, फिर कोला। अच्छा जी, क्या चॉकलेट? चॉकलेट उसके बाद चॉकलेट। हमारा गोलागंडा तैयार इतना आसान है लेकिन मशहूर है और बहुत यमी होता है। इवन अभी जो है आप देख सकते हैं कितना मज़ेदार लग रहा है। ये जिनके गले ख़राब होते हैं मुझे लगता है वो भी शौक से आते होंगे यहाँ पर, है? हाँ, बहुत लोग आते हैं यहाँ शौक से खाने। बहुत लोग, अच्छी ज़बरदस्त। अच्छा जी, मैं ये दूँगी और मैंने प्रॉमिस किया था एक बच्ची को देने के लिए। खाके बताएं कैसा है? बर्फ तो नहीं इसमें? खाके और देखें कैसा है, कैसा है? बहुत मजे का है, पूरा खा लेंगी? चले जबरदस्त, ये आप बैठिए आराम से खाइए। आगे भी बढ़ेंगे और देखेंगे क्या क्या है, क्या क्या मुख्तलिफ चीजें हैं यहाँ पर, तो आज है।